वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री दसम गुरु चमत्कार भाग तीजा लैके हाजिर हाँ जी। शुरू करन दी आग्या बख्शो जी। माता नानकी जी दे विचार अते प्रसन्नता, ये सब कुछ वेख सुन के माता नानकी जी मन विच बहुत प्रसन्न हुंदे अते विचार दे के ए मेरे पति श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वाक सफल होए हन, जिन्हां ने मैनू आख्या सी कि तुहाडे घर ऐसा प्रतापी पोतरा पैदा होवेगा जो सारे संसार विच गुरु नानक देव जी दे उज्जल नाम नूं प्रकाश करेगा। इन्हां विचारां करके माता जी बारंबार गुरु नानक देव जी दा धन्नवाद करदे। माता जी ने साहिबजादे दे जन्म दी गुरु साहिब नूं खबर भेजनी। माता नानकी जी ने अपने पुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं उन्हां दे घर साहिबजादे दे अवतार धारण की खबर देण वास्ते बड़े प्यार नाल इस तरह चिट्ठी लिखवाई। गुरु नानक साहिब जी दी अपार कृपा नाल तुहाडे घर पोह सुधी सप्तमी शनिचर ऐतवार दी विचली रात दे एक पैर रहिंदियां सम्मत 1723 नूं साहिबजादे ने जन्म लिया है। जन्म समय बड़े चंगे शगन होए हन, नूर प्रकाश नाल अते अचानक सुगंधी नाल साडा सारा अंदर बाहर भर गया। अज गैबी अनडिठे लोग साडे घर आण के खुशियां विच नचण टप्पण ते ढोलकी छैणियां नाल गीत गाउण लग पए। गुरु नानक साहिब जी दी कृपा हुई है जिन्हां ने साडी मनोकामना पूर्ण कीती है। तुसी पुत्र जी शीघर ही घर आउण वाली गल करनी। इस तरह प्यार अते खुशियां भरी चिट्ठी लिखवा के माता नानकी जी ने एक सिख नूं दित्ती अते आग्या कीती कि जिथे भी इस वेले सतगुरु जी होवन उन्हां नूं इह चिट्ठी शीघर ही पहुँचाओ। इह चिट्ठी लै के सिख छेती ही धुबरी शहर पहुँच गया, जिथे इस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी राजा राम सिंह नाल ठहरे हुए सन। चिट्ठी पढ़ सुन के राजा राम सिंह अते उसदे सैनिकां ने बड़ियां खुशियां मनाईयां। फौजी वाजे वजाए गए, तोपां दी सलामी दित्ती गई अते गरीबां नूं बहुत दान दित्ता गया। चिट्ठी लै के आउण वाले सिख नूं गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत धन दे के उस दा लोक परलोक सवार दिता। फिर सतगुरु जी ने आप एक चिट्ठी माता जी नूं जिस तरह दी लिखवाई, माता जी असी हुण कामरूप असाम देश दे नेड़े धुबरी शहर पहुँच गए हाँ। अगे असाम पहुँच के जद राजे दा काम सौर जाएगा तां शीघर ही वापस पटने आ जावांगे।
तुसी साहिबजादे नूं गुरसिखी दियां लोरियां दे के खिडौना अते पालना करो। गुरु नानक साहिब तुहाडे सारिया दे अंग संग हन, तुसी कोई फिकर ना करना। माता नानकी जी दा प्यार ते दान। गुरु साहिब जी वल्लों धीरज अते असीसां भरी चिट्ठी आउण नाल माता नानकी जी बड़े प्रसन्न होए। जो भी मांगत जां कोई वधाई देण घर आउंदा, माता जी सब नूं धन वस्त्र ते मठियाइयां आदि नाल प्रसन्न करके घरों तोर दे। माता जी घर आउण वालियां इस्त्रियां दे शाए परशाए तों साहिबजादे दे बचाओ वास्ते अनेक प्रकार दे उपाव करदे रहिंदे अते पिछलियां गल्लां नूं याद करके दर्शन करन आईयां इस्त्रियां नूं साहिबजादे दे दर्शन दूरों ही अपने कुछड़ चुक के करा देंदे, क्योंकि बाल रूप कृष्ण भगवान नूं कंस दी भेजी हुई पूतना दाई ने अपने मम्मे नूं जहर ला के दुध पिया के मारना चाहिया सी, पर वह परमेश्वर अवतार सन, उस नूं मार दिता पूतना नूं ते आप बच गए। इस तरह ही बालक रूप श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं एक पखियान खिडावी स्त्री ने अपने मम्मे नूं व्योह ला के अते एक घर दे रसोईये ने दही विच जहर दे के मारना चाहिया सी, पर आप जी गुरु अवतार होण करके कोई खेद ना होया। इस करके माता जी किसे ओपरी स्त्री जां पुरश नूं साहिबजादे दर्शन दूरों अपने कुछड़ चुक के कराउंदे, किसे नूं वेखण विखाउण वास्ते साहिबजादे नूं नहीं देंदे सन। साहिबजादे दा नाम गोबिंद राय श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय ही रख के माता जी नूं लिख भेजिया सी जदों साहिबजादे दे जन्म दी खबर एक सिख लै के आप जी पास धुबरी गया सी, पर माता गुजरी जी ने अपने सहुरे दा नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब होण करके आप जी साहिबजादे दा सिद्धा नाम गोबिंद राय नहीं सन लैंदे, सगों लाड प्यार नाल कदी आ मेरा राम जी ते आ मेरा श्याम जी आखदे सन। जिवें राम जी श्री रामचंद्र जी अते श्याम जी श्री कृष्ण भगवान जी परमेश्वर अवतार सन, तिवें ही माता जी साहिबजादे नूं भी एक रूप परमेश्वर अवतार ही मनदे सन। ए सी श्री दसम गुरु चमत्कार भाग तीजा। अगला भाग लै के जल्दी ही आवांगे जी। इस तों पहला जो दो भाग होए हन श्री दसम गुरु चमत्कार दे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन विच दे दिता है जी, आप जी उत्थों श्रवण कर सकते हो। आओ
गज के फतेह बुलाइए जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।